रेलवे स्टेशन नाम रखने का प्रस्ताव किया गया। आपको बता दें रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। मध्य प्रदेश शासन ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज भी दिया है। गृह मंत्रालय के सचिव को भेजा गया है प्रस्ताव। 15 नवंबर को हबीबगंज के नए स्टेशन का होगा लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे लोकार्पण। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की तैयारी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम बदलकर किया जाएगा। आपको बता दें शासन द्वारा प्रस्ताव भेज दिया गया है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम का प्रस्ताव भेजा गया है जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। गृह मंत्रालय के सचिव को भेजा गया है प्रस्ताव। 15 नवंबर को हबीबगंज के नए स्टेशन का होगा लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे लोकार्पण। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता सुनील मालवीय जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ मतलब जानकारी है अभी इस समय, ताजा अपडेट क्या है? देखिए, 15 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल आएंगे और यहाँ पर जो भोपाल का जो हबीबगंज हॉस्पिटल था इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम कमलापति स्टेशन रख दिया गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं जो कमलापति जो नाम रखा गया है इस स्टेशन का, तो जो पहली जो शासक थी गोंडा वो यहाँ की शासक थी, इसलिए इस स्टेशन का नाम कमलापति रखा गया है। जी सुनील, जैसा कि भाजपा पे शुरू से आरोप लगते रहे कि नाम बदलने वाली सरकार है, तो एक इसी परिक्रम में एक और नाम बदला गया है, तो इस पे क्या कहना है? देखिए, लगातार बात की जाए अगर विपक्ष पार्टी की, तो विपक्ष पार्टी का तो लगातार काम ही है कि भाजपा हर बार नाम बदलती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री 15 नवंबर को यहाँ पर आएंगे भोपाल में, जो बिरसा मुंडा जयंती है, तो कहीं ना कहीं ये जो आदिवासी शासक में जो ये आदिवासी जो शासक था उस समय ये कमलापति जी यहाँ की रानी थी, तो इसलिए इस जो स्टेशन का नाम कमलापति स्टेशन रखा गया। जी सुनील, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। हमारे संवाददाता सुनील जुड़े हुए थे जो बता रहे थे किस प्रकार से नाम बदला गया है और प्रशासन को भेज दिया गया है, प्रशासन ने शासन को भेज दिया है और 15 तारीख को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी माफी चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। अगली खबर बुलंदशहर से है जहां प्रियंका गांधी